सब्सक्राइब कीजिए मेरे यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन पे क्लिक मेरे लेटेस्ट वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पीएन कार्स पर। और वीडियो में आप देख पा रहे हैं ऑडी A4 है और इसका जो रूफ टॉप होता है, जो या हम लोग कहते हैं रूफ टॉप लाइनर, जो ऊपर का फैब्रिक होता है टॉप के ऊपर, वो जो है पूरी तरीके से ख़राब हो गया है या वो लटक गया है या निकल गया है, ये आप देख पा रहे हैं वीडियो में। और ये हमें चेंज करना है और इस काम के लिए गाड़ी हमारे पास VN कार सीट कवर नवी मुंबई पाशी में आई हुई है और ये काम आज हम इस गाड़ी के लिए कर रहे हैं। तो पूरा प्रोसेस तो मैं शूट करके आपको नहीं दिखा पाऊंगा, पर जितना पॉसिबल है उतना मैं आपको ज़रूर कोशिश करूँगा कि मैं आपको वीडियो में दिखा सकूँ। टॉप जो है अभी खोला जा रहा है और इसे बाहर निकाला जाएगा और उसके बाद जो है उसे क्लीन किया जाएगा दोस्तों, और फिर जो है उसके ऊपर नया फैब्रिक लगा के इसे फिर से इंस्टॉल किया जाएगा। टॉप खुल गया है और टॉप को बाहर निकाल लिया गया है और अब ये गाड़ी में आप देख पा रहे हैं कि टॉप जो है वो पूरी तरीके से बाहर आ चुका है। ये मैं आपको अंदर की फोटो दिखा रहा हूँ, वीडियो दिखा रहा हूँ, माफ कीजिएगा कि किस तरीके का जो है अंदर का टॉप है गाड़ी का। आप देख पा रहे हैं टॉप जो है अब पूरी तरीके से बाहर आ चुका है गाड़ी से। ये आप देख पा रहे हैं वीडियो में टॉप जो है क्लीन कर लिया गया है। जो हार्ड शीट है जिसके ऊपर कपड़ा लगा होता है वो कपड़ा रिमूव करके उसके ऊपर जो भी गंदगी थी उसे क्लीन कर लिया गया है पूरी तरीके से, और उस पर जो है अब बोस्टिक लगा के नया फैब्रिक जो है वो लगाया जाएगा और वो भी मैं आपको आगे दिखाता हूँ कि वो किस तरीके से काम किया जाए। अब ये देख पा रहे हैं आप टॉप पे जो है नया फैब्रिक लग चुका है और अब उसे लास्ट स्टेज फाइनल जो है किया जा रहा है। ये आप देख पा रहे हैं हैंडल वगैरह के कॉर्नर वगैरह जो है सारी क्लीन हो चुके हैं, लाइट की कटिंग भी हो चुकी है, सनसेट वगैरह पे जो है पूरी तरीके से बना दिया गया है और उसे फाइनल कट करके जो है ओके किया जा रहा है ताकि टॉप को जो है अंदर गाड़ी के अंदर इंस्टॉल किया जा सके। ये फाइनल टच देते हुए साइड में जो एक्स्ट्रा टॉप को जो है अंदर इंस्टॉल किया जा रहा है और इसकी लाइटिंग वगैरह जो है लगा के चेक की जा रही है गाड़ी की प्रॉपर जो है वर्क कर रही है या नहीं। ये आप देख पा रहे हैं मैं आपको दिखा रहा हूँ कि पहले किस तरीके से वो लटक रहा था और अब किस तरीके का है। ये सामने सनसेट लगाया जा रहा है गाड़ी में और ये टॉप लगाते समय हम लोग बहुत ही ध्यान देते हैं दोस्तों। मैं आपको बता रहा था कि टॉप लगाते समय हम लोग बहुत ध्यान देते हैं दोस्तों कि जो भी फिटिंग या जो भी सेंसर्स वगैरह हैं या जो भी चीज़ें लगी निकाली गई थी टॉप से वो प्रॉपर लगी हो, वापस ठीक से लग जाएं और किसी भी तरीके का कहीं भी कोई नुकसान ना हो गाड़ी को। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं वीडियो में कि पूरी तरीके से जो ओरिजिनल जैसा था ठीक वही लुक आ रहा है, उसी तरीके की गाड़ी आपकी लग रही है। ये सामने सनसेट से लेकिन कहीं भी ऐसा नहीं लग रहा है कि आप बाहर से काम किया गया है या ऐसा काम है कि जो बाहर से किया गया है या लोकल मैकेनिक से किया कराया गया है। ये पूरी तरीके से प्रोफेशनल तरीके से काम किया गया है जो कि आपकी गाड़ी की सेफ्टी को ध्यान में रखते हो। तो अब हमारा पूरी तरीके से रेडी हो चुका है, फैब्रिक चेंज हो चुका है, फिटिंग सारी डन हो चुकी है, लाइटिंग्स वगैरह सारी चेक कर ली गई है। जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं गाड़ी पूरी तरीके से ओके हो चुकी है और कस्टमर को डिलीवरी देने के लिए अब गाड़ी रेडी है। सारी से फिटिंग्स वगैरह सारे सॉकेट्स वगैरह पूरी तरीके से चेक कर लिए जा चुके हैं दोस्तों। अब गाड़ी हमारी पूरी तरीके से जो है डिलीवरी के लिए रेडी है। सारी लाइट्स वगैरह जैसा आप वीडियो में देख पा रहे हैं चल रही हैं। मिरर फ्लैप बंद किया, लाइट बंद। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।